एक अकेला टाटा पूरे पाकिस्तान पर भारी है। टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे $365 बिलियन तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और हमारे साथ आजाद होने वाले मुमालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है तुम पे। मुझे इतना पता है कि टाटा मोटर्स पूरी का बजट पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान में तो कोई चीज आती नहीं है, मतलब दे एब्सोल्युटली स्मोक इन कॉर्पोरेट टर्म्स, तो वो तो बहुत आगे हैं। हम शुद्ध गरीब है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगी कि दुनिया मुतबादिल की तरफ जा रही, कहां गलती हो रही है हमसे। अब आए ना लाइन पे। पाकिस्तान टाटा का जो मार्केट कैपिटल है वो $365 बिलियन है और पाकिस्तान की टोटल जीडीपी जो है श्रिंक होने के बाद वो $341 बिलियन है। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। IMF की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो GDP है $341 बिलियन की है। क्या बात है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। देखिए एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता। है ना अजीब सा असूल। नौजवान इस वजह से कितने होपलेस हो चुके हैं, वो यहाँ रहना ही पसंद नहीं कर रहे। और सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही, कोई गर्ज नहीं रही। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पहलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। देखें इस टाटा की आपने मिसाल दी है, इस जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया की जितनी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियन, ठीक है, ये बिलियनर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी आप GDP सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है, वी डोंट इवन हैव, कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो IT मिनिस्टर साहब हैं उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कंफ्यूजन के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि अब क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। अमेज़न बैन हो गया, अच्छा बलाया हुआ। जी बिल्कुल, देखिए अमेज़न तो इट्स अ फार रिलेटेड थिंग है कि अमेज़न से पहले हमारे पास, हम अपनी जो, आप ट्विटर को देख लें, आज हमारा पॉलिटिकल इतना क्राइसिस है कि ट्विटर भी ब्लॉक है इस टाइम तक, ठीक है। सो जब तक हम अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी देखें, हम कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, आपकी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, सो यू हैव टू कवर द बेसिक्स, उस पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा। आप देखें एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता। दुनिया हम पे कैसे एतबार करे, हमारा जो भी वजीर आजम आता है पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए की चोरी की, हम चोर। तो जो चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं तो वो चीज़ तो फिक्स हो गई है, अब कौन चोर मुल्क में आएगा, अब कौन चोर डाकू पे यकीन करेगा। देखिए बिल्कुल आप बात ठीक कर रही हैं, इसके लिए हमें ग्रेजुअली अपने आप को कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस रिबिल्ड जो होता है दैट्स अ प्रोसेस, इट डजंट कम ओवरनाइट, वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रेजुअली इसको रिबिल्ड करना है, इट टेक टाइम, उसके लिए हमें लीडरशिप चाहिए। सो किसी भी कंट्री का लीडर होता है जो कि अपनी कंट्री का एक आपको एक स्टैंड अप, एक मोमेंटम देते हैं और कंट्री थोरोली फिर उसके ऊपर आती है और फिर आपको जो है, आप देखें आपके सामने एग्जांपल्स है, बांग्लादेश इज नॉट सो फार, हमारे से ये लगा हुआ है, लुक एट देयर GDP टुडे, कि वो कहां खड़े हैं, उनकी आप GDP ग्रोथ देख लें, उनकी करेंसी देख लें, हमसे वो कितने आगे निकल गए। इसी तरह आप अफगानिस्तान को ले लें, देयर अभी तक क्राइसिस है वहाँ पे, ओवरकम नहीं है, बट लुक एट देयर डिफरेंस बिटवीन अस, तो हम सब कॉन्टिनेंट में सबसे पीछे रह गए। सर हम टाटा ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो सॉर्ट से लेके सॉफ्टवेयर तक बनाते हैं, अगर उनकी TCS कंपनी की बात करें तो $178 बिलियन का सिर्फ उनकी ये वाली जो TCS जो है वो पैसा कमा रही है। और इंडियंस की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, बिलियनेयर है लेकिन सारा का सारा पैसा उनका इंडिया के अंदर पड़ा। बेसिकली दे हैव सेफ्टी, उनके पास सेफ्टी है, लोग वहाँ इन्वेस्ट कर दे, उनको बता इंडिया में सेफ्टी है लोगों के पास, मींस फिनेंशियली सेफ्टी है, उनके पास पैसा उनका सिक्योर है। अच्छा। मैं ये जहाँ सेफ्टी की बात कर रहा हूँ उसका मीनिंग ये है कि उनके जो पैसा लगा रहे हैं उनको इतना इस पे यकीन है कि उनको इसका पे बैक मिलेगा, सो दे आर इन्वेस्टिंग। अब पाकिस्तान में काफ़ी बंदे हैं जो बाइट से वैसे अपनी फैमिलीज को पालने के लिए पैसा तो भेज रहे हैं लेकिन यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्यों, दे डोंट हैव एनी सेफ्टी, जब उनको सेफ्टी मिलेगी तो वो इन्वेस्ट करेंगे ना। अब हर बंदा अपने फ्यूचर के हवाले से सोचता है,
वो ठीक है, पेट्रियटिज्म एक चीज़ है, लेकिन उसके बदले गवर्नमेंट कोई चीज़ आपको देगी तो पेट्रियटिज्म वाला जो फीलिंग है उसको बंदा आगे लेके जा सकता है, वरना ऐसे तो बहुत मुश्किल है कि लोग इधर मुल्क में रहकर अपना पैसा लगाएं। हमारे अगर मिशन की बात करें तो जितने भी वज़ीर-ए-आज़म आते हैं उनकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं रही हैं, ठीक है। मैं ये या हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि वज़ीर-ए-आज़म बदले, नो इशू, लेकिन पॉलिसीज़ नहीं बदलें। पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म रहेंगी तो मुल्क आगे जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें GDP की, अगर हम बात करें तो उनका जो इंडिया का नेक्स्ट टारगेट है 4 ट्रिलियन की जो है GDP का है, और हमारी जो है माइनस GDP हो रही है। ऐसा ही है, बिल्कुल वो 4 ट्रिलियन तक पहुंच गया सर। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा लगाती भी है तो वो बड़ा हिलेरियस टाइप का सीन बन जाता है, जबकि मुल्क में करप्शन इतनी है, मुल्क में ओवरऑल मुल्क में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि जुडिशरी इतनी पावरफुल हो जाए कि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन कर रहे हैं उनको पहले यहाँ रोका जाए, पकड़ा जाए और उस पैसे को मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्रोडक्ट में बता दें जिसमें हमारे पूरे पाकिस्तान में मोनोपोली, जैसे टाटा की बात की तो उनकी TCS कंपनी पूरी दुनिया में मशहूर है, साल्ट में टाटा की चाय आप देखें, टाटा के होटल देख लें। हमारे पूरे पाकिस्तान में इतने बिलियनेयर्स हैं, मिलियनेयर्स हैं, कोई एक प्रोडक्ट बता दें जिससे हम पूरी दुनिया में मोनोपोली कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है ना इसका पूरी दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं। अनफॉर्चुनेटली अभी तो ऐसी मेरे ज़हन में कोई भी नहीं है, अगर आपके पास है तो कोई मेरे पास तो ऐसी कोई नहीं है, अगर आपके पास है तो जरूर आप मुझे भी बताया था कि मेरे लिए इतनी शर्म वाली बात। वो तो जाहिर बात है आपको भी पता है, आप नौजवान इस वजह से कितने होपलेस हो चुके हैं, वो यहाँ रहना ही पसंद नहीं कर रहे, ये मेन इशू है कि बस अब वैसे ही लोगों का इस मुल्क से जिस तरह ना दिल भर गया। बताएं आप इन 77 साल में, चलो 10-15 सालों में हालात ज्यादा बिगड़ गए, इससे पहले कहीं ना कहीं चलो मान लेते हैं थोड़े बेहतर है, तब भी कोई हम वर्ल्ड क्लास टॉप बिजनेसमैन नहीं पैदा कर सके इस पाकिस्तान में। जब मुल्क में प्रोडक्शन ही नहीं है तो टॉप बिजनेसमैन कैसे पैदा हो? आप गंदम पैदा करते हैं और आपने उन्हें डॉलर की कभी पूरी करनी होती है तो आप पहले उसको बाहर भेज देते हैं, और जब आपको पता चलता है ओहो मेरी तो मैनेजमेंट ही नहीं थी ठीक और शॉर्टेज हो गई है तो आपको दोबारा बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है। यहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि जो क्या मुल्क की हुकूमत का हाल है और किस तरह वो उनकी इंडिया की बड़ी कामयाबी की वजह ये है कि उन्होंने इम्पोर्ट पे नहीं मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस किया और हमने जो है इम्पोर्ट पे बहुत ज्यादा जोर, मैन्युफैक्चरिंग और साथ साथ आई थिंक उनका जो IT सेक्टर है वो इस तरह बूम हुआ है। वो क्यों है? जब तक आपने अपने स्टूडेंट्स, अपने आने वाली नस्लों पे इन्वेस्ट नहीं करना तो यू आर गोइंग टू गेन नथिंग, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बात है, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट होगी तो आगे मुल्क बढ़ेगा। जी जी बिल्कुल। ये था आज का वीडियो, आप लोगों के जो भी विचार है कमेंट सेक्शन आप ही गाए, आप भी इन पाकिस्तानियों को खड़काते हुए जाइए, तड़काते हुए जाइए, भड़काते हुए जाइए। और हाँ भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, दबा लो भैया दबा लो। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।